गाइस वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और आज हम लोग एक नई चीज करने वाले हैं अपने चैनल पे। नई चीज कि हम एटलस ओएस डाउनलोड करने वाले हैं। वो एक विंडोज 10 का गेमिंग वर्जन है जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत अच्छा है। मैंने तो यूज़ करा था पर मेरे को लगा कि मेरे को आपको भी बताना चाहिए कि कैसा है। तो फिर चलो मैं कर रहा हूँ, तो लेट्स बिगिन द इंट्रो। It's all about humanity. So guys, ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज। तो फिर हमें जब एटलस ओएस डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एज पे या फिर क्रोम या फिर कोई से ब्राउजर पे। और यहाँ पे लिखना है एटलस ओएस, ठीक है, सिर्फ एटलस ओएस लिखना है। पहले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है, फिर उसका स्क्रॉल डाउन करना है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि एटलस ओएस किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोसेसर बैकग्राउंड से रिमूव करता है ज़्यादा, और मोर स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज लेता है, और रैम भी बहुत कम लेता है। और विंडो सिक्योरिटी पे इन्होंने कुछ छेड़ा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी सिक्योरिटी है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन टू गेट बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर यू पी सी बाय यूजिंग एटलस ओएस। डाउनलोड एटलस ओएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप एटलस ओएस का लेटेस्ट करना चाहते हैं तो लेटेस्ट कर सकते हैं। अरे एक क्लिक हो गया मेरे से, पर कुछ लोग कहते हैं कि ओल्डर वर्जन ज़्यादा फास्ट होता है, और इसमें भी लिखा हुआ है ओल्डर वर्जन ज़्यादा फास्ट है, तो उन्होंने ये भी दिया हुआ, तो मैं तो इसे ही करूँगा। तो चलो ये होने लग गया, मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसे कर रखा है डाउनलोड। दिखाता हूँ मैं, अरे यार, हाँ ये रहा, किधर गया, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मेरे को मिल गया ISO, वो मैंने डाउनलोड करना भूल गया था, मैंने डाउनलोड ही नहीं करा था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सो गाइस मेरे को मिल गया ISO, वो मैंने डाउनलोड करना भूल गया था, मैंने डाउनलोड ही नहीं करा था। तो ये ISO है, तो फिर आपको इस ISO को क्या करने के लिए, हाँ आपको इस ISO को यूज़ करने के लिए सबसे पहले जाना होगा क्रोम माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर कोई से ब्राउज़र पे, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूफस, ठीक है। तो उसके बाद ये पहले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी रुक जाओ मैं अपनी पेन ड्राइव ले लूँ एक बार। हाँ ये मेरी पेन ड्राइव आ गई, इसे प्लग इन करा मैंने, लग गई। तो फिर यहाँ पे जो ये वाला है ना रूफस 3.18, इसे डाउनलोड करना है, इसे क्लोज कर देना है, ऐड है ये, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया डाउनलोड, इसे ओपन करना है, यस करना है, और इसे यस कर देना है, तो फिर खुल जाएगा आपका, आपकी पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। ISO आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपने रखा है, मेरा ISO ये रहा मेरा ISO। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो जो सेटिंग्स आपको उसी के हिसाब से करना है, और जो आपका कंप्यूटर है PC है उसके हिसाब से आपको देख लेना है कि MBR है GPT, तो मेरा तो MBR है। और वॉल्यूम का लेबल हम रखेंगे एटलस ओएस पेन ड्राइव का, जैसे कि हमें पता चल सके। तो फिर रेडी करना है और स्टार्ट कर देना है। हाँ इसे बोलेगा ऐसे करके कि आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट होने जा रही है, तो फिर अपना सारा डाटा बैकअप कर लीजिए, क्योंकि पेन ड्राइव फॉर्मेट ही होगी। तो अभी तो इसे टाइम लगेगा, या पता नहीं विंडोज़ के इंस्टॉलेशन में तो टाइम लगता है, तो मैं आपको जब ये हो जाएगा जब मिलूँगा। सो गाइस ये रेडी लिखा हुआ आ चुका है, और ये पूरा ग्रीन हो गया, मतलब आपका सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
तो इसे क्लोज करना है, और जिस भी जगह आपने क्या कहते हैं अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ अपने पेन ड्राइव को लगाना है, अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है या लैपटॉप जो भी शट डाउन करना है। उसके बाद आपका जो भी बायोस है उसकी वीडियो देख लेनी है, कोई सी भी जो भी आपका कंप्यूटर है उसकी वीडियो देखने के बाद बायोस में जाके पेन ड्राइव को बूट कर देना है। अगर आपको पेन ड्राइव से बूट करना नहीं आता तो फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, या हाँ मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो सबसे पहले उसे जाके देखना फिर उसके बाद ये प्रोसेस करना। तो फिर मैं पहले पेन ड्राइव को बूट कर लेता हूँ। सो गाइस ये देखिए हमारा ये विंडोज़ बूट हो रहा है, हाँ बूट हो रहा है हमारा विंडोज़, देखो एटलेस ओएस बूट हो रहा है, सॉरी विंडोज़ बूट नहीं हो रहा। तो फिर थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो फिर इसे लोड होने देना, करप्ट मत करना है इसे कि बीच में बंद कर देना, जो हो रहा है इसमें होने देना। इसमें आपका फिर आएगा शायद सेटअप स्टार्टिंग, फिर आपके ये देखो आ गया सेटअप स्टार्टिंग, ये देखो। तो इसमें भी आपको वेट कर लेना है। सो गाइस ये आ गया देखो विंडोज सेटअप। तो फिर आपको ये आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, ये जो है आपकी ये ड्राइव को सेलेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ इसको फॉर्मेट कर लेना है। मैंने तो अभी एन एलोकेटेड है, मैंने तो सारा कुछ उड़ा रखा है, तो मेरे को न्यू बनानी पड़ेगी और अप्लाई, ठीक है। ठीक है, इस सिस्टम रिजर्व को मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे को इतना तो यूज़ करना नहीं है। और इसके अंदर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, नहीं एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं है, तो इसे मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो हमें जो 30 जो आपकी जिसके अंदर आपको डाउनलोड करना है उसके अंदर क्लिक करना है, उस ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट के ऊपर दबाना है, तो फिर आ जाएगा कॉपिंग विंडोज फाइल। ये भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर डिपेंड है कितना टाइम लेगा ये, तो फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सो गाइस हमारा हो चुका है, ये बता रहा विंडोज़ नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, या ऑटोमेटिकल रीस्टार्ट होगा। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, बस आपको इसमें सिर्फ पेशेंस रखना है। और हाँ जब डाउनलोड हो जाती है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं पूछा जब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड हो जाता है तो फिर कभी कभार उसमें ना कीबोर्ड काम नहीं करता ना माउस काम करता, तो उसके लिए आपको ड्राइवर एक अलग ड्राइव में डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको ड्राइवर डाउनलोड नहीं करने आते तो फिर यूट्यूब से देख के सीख लो। छोटी बच्ची हो क्या? तो फिर देखो अभी फिर से आ गए, लगता है अभी कुछ होगा, अब फिर सेटअप स्टार्टिंग, अभी अभी तो मैंने डाउनलोड करा, जो हो रहा होगा अभी। सो गाइस ये चालू हो रहा है, वो कुछ दोबारा से स्टार्ट नहीं हुआ था, वो सेट वो विंडोज को ही चालू कर रहा था वो। तो देखो आ गया गेटिंग डिवाइस रेडी, तो आपको इसमें वेट करना है।
स्टार्टिंग सर्विसेज आ गया, वो क्या हो रहा था, वो सिर्फ वो सेटअप में विंडोज को चालू कर रहा था, वो विंडोज को चालू कर रहा था वो। तो फिर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं, सो गाइस अब रियल में आ गया है। तो फिर देखो ये आपको सेलेक्ट करनी है आपकी कंट्री, तो मैं तो इंडिया में हूँ अभी, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा, इंडिया 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 आगे आगे नीचे था, रह गया था ये रहा इंडिया, इसे सेलेक्ट करा, ठीक है। नेक्स्ट का बटन ये रहा, मेरे को टिक क्यों नहीं रहा है, एंटर दबा देते हैं ना, हाँ एंटर से हो गया, और नेक्स्ट का बटन नहीं दिखा, वो F11 से ही बनता। फिर फास्ट फॉरवर्ड, सो गाइज ये अब नया ऑप्शन आ चुका है, नई विंडो आ चुकी है कि आपका कीबोर्ड का लेआउट क्या है। तो मेरे कीबोर्ड का लेआउट तो इंग्लिश इंडिया है, तो इसे सेलेक्ट करके एंटर, नहीं इसे स्किप कर देंगे, सो गाइज अपना ये पीसी का नेम रखने के लिए आ गया है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हाँ ये मेरा नाम आ गया, एंटर। पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड को ऐसे छोड़ के एंटर कर दोगे तो कोई भी पासवर्ड नहीं रहेगा, मेरे को तो अभी सिर्फ वीडियो बनानी है, वीडियो के लिए मेरे को चाहिए था ये। सो गाइस हियर वी आर इन एटलस ओएस, तो मैं आपको इसका फायदा बताता हूँ, हाँ फायदा, हाँ ये देखो इसमें कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं मिलते, बस एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और एक एक्सबॉक्स मिलता है, क्योंकि ये गेमिंग के लिए बना है स्पेशल, तो ये चीज़ें तो होंगी, और बाकी देखो पूरा भरा जाता है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। मैं टास्क मैनेजर दिखाता हूँ कि कितनी मेमोरी ले रहा है ये देखो, मेरे कंप्यूटर में अभी शायद 2 GB रैम है, ये अब 2 GB रैम में भी 36% मेमोरी ले रहा है, और ये जो ये वाला ले रहा है ना, ये 100% CPU रखा है, ये सिर्फ टास्क मैनेजर ही ले रहा है ये, क्योंकि मेरा CPU इतना कुछ अच्छा नहीं है, मेरा i3 से नीचे है। तो फिर गाइस यही था एटलस ओएस में, मैं एक बार आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, उसका सर्च बार किधर है, हाँ सामने दिख गया, इसका सर्च बार ही नहीं है, ये देखो सेटिंग्स में, हाँ मैं अपनी पीसी की प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, अबे जल्दी हो, हाँ ठीक है, देखो ये है, मैं दिस पीसी पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज, ये देखो इंस्टॉल्ड रैम 2 GB, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, एटलस है, ये देखो सेटिंग्स भी खुल गई, ये देखो आपको इसके अंदर कुछ ऐप्स अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, तो फिर इस फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे, ये खुल रहा है अभी फोल्डर,
ये देखो खुल गया फोल्डर, तो उसके अंदर ये आ गया। अगर इंस्टॉल करना है कोई सॉफ्टवेयर तो ये ठीक है। अरे यार, ये अगर इंस्टॉल करना कोई सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र है, कुछ भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ये है। और अगर आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करना है तो ड्राइवर्स के लिए भी है। आप अगर इस पे दबाओगे तो सारे ड्राइवर्स डिटेक्ट करके डाउनलोड कर लेगा। सो गाइस, और हाँ ये भी है, इसे रीड कर लेना, इसके अंदर देख लेना क्या है, बता रखा होगा इंस्टॉलेशन के अंदर। हाँ ये देखो आ रखा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। बाय। I played it in a sense, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. With